हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो आज अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्पियर कोई भी ब्रिज का टॉप पेडेस्टल या पाइल कैप टॉप या एक्स वाई जेड कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे देता है ईस्टर्न और नॉर्थर्न पॉइंट। सो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप अपना ऑटो कैड ऑन कर लीजिए। सो ऑन हो गया। इसमें मेरा एक पहले से ही एक मैंने ड्राइंग बना के रखा है, ठीक है। अब इसका पॉइंट आप कैसे चाहिए इसको, सो आज मैं वो बताऊंगा कि इसका टॉप का पॉइंट कैसे मिलेगा। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पीओ एक पॉइंट ले लीजिए कहीं से भी। मान लीजिए यहाँ का एक पॉइंट है, ये मेरी सीपी वैल्यू है, ठीक है। अब ये सीपी हमारी है, सो आइकन चेंज करने के लिए आप पीटी कमांड यूज कीजिए। ये आपका पॉइंट ऐसे रहेगा। अगेन अगर आप आइकन चेंज करना चाहते हैं तो फिर से मैं यही सिलेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं पहले से ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। ओके कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा जैसे एक पॉइंट हो गया। अब इसका ईस्टर्न और नॉर्थन पॉइंट हम कैसे मेंशन करेंगे, सो आप पहले इसको एम टी कर लीजिए, एम टेस्ट कर लीजिए। एम टेस्ट हो गया। एम टेस्ट में एक एरिया ले लीजिए जिसमें आप लिख लीजिए नॉर्थन पॉइंट सेमी कॉलम एंड, ठीक है, हो गया। एंड देन अगेन फिर से एम टी, ठीक है। ये हो गया अपना। दोनों को थोड़ा सा मूव करा सकते हैं अगर आप मूव कराना चाहें तो, ये थोड़ा अपने पास में आ जाएगा इसके, ठीक है। अब ये आपका ये हो गया। अब इसका कैसे हम नॉर्थन और ईस्टर्न पॉइंट फाइंड करेंगे, सो आप पहले इस चीज़ के लिए आपको फील्ड कमांड यूज करना पड़ेगा। इसके लिए Fi, ये आ गया आपका फील्ड कमांड, ठीक है। ये आपका खुल गया। आप फील्ड कैटेगरी में जाइए, ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिए एंड अगेन फिर से ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिए एंड ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर आपका नया पेज खुल जाएगा। इसमें आप कुछ ये पोजीशन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं बट आपको पोजीशन पे क्लिक करना है। एंड देन अगर आप फिट या इंच में यूज कर रहे हैं तो आप टेक्सचर ले सकते हैं, इंच में कर रहे हैं इंजीनियरिंग में तो आप ले सकते हैं। आप प्रिसीजन में ज़रूर वैल्यू दे दें वरना आपका बहुत सारा लिख जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें प्रिसीजन में जितने भी आपको पीछे पॉइंट के आगे काम चाहिए तो आप ले लीजिए। आपको यहाँ पे वाई डायरेक्शन का चाहिए नॉर्थन पॉइंट, तो आप एक्स के अन क्लिक कर दीजिए, जेड हमें चाहिए नहीं, तो ओके हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया नॉर्थन पॉइंट। अगेन आप फिर से ईस्टर्न पॉइंट के लिए Fi कमांड यूज कीजिए एंड देन देख फील्ड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, पोजीशन लिया, डेसिमल ऑलरेडी सेलेक्ट है और मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्टर्न पॉइंट। ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा आ गया ईस्टर्न पॉइंट। अब इसका मान लीजिए हमें दूसरे कोई भी पॉइंट चाहिए, सपोज ये तो हमारा एक पॉइंट फिक्स है, यहाँ का वैल्यू हमारा ये है नॉर्थन और ईस्टर्न पॉइंट। अब मान लीजिए यहाँ चाहिए या कहीं इधर साइड चाहिए या कहीं चाहिए या इसके टॉप में चाहिए, तो आप इजीली कुछ नहीं करिए, इसको सिंपली ऐसे कॉपी कर लीजिए। जहाँ आपको पॉइंट चाहिए वहाँ इसको ले जाके, जैसे मान लीजिए हमें जहाँ आपको बताया, मान लीजिए इधर का एक पॉइंट चाहिए, यहाँ मैंने क्लिक कर लिया, एक पॉइंट यहाँ चाहिए, यहाँ मैंने क्लिक कर लिया, और इसके टॉप का मान लीजिए पेडेस्टल टॉप का, ये जैसे हमारा ये देखिए पेडेस्टल टॉप है, ये देखिए जैसे कि ये आपको मैं बता दूं, यहाँ के टॉप का चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर लिया, कमांड से बाहर आ जाइए, यहाँ का पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी देख लीजिए ये 115 169, ये देखिए यहाँ का जो हमारा वैल्यू था ये सेम हो गया। अब इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप एक कमांड और यूज कीजिए, अपडेट, ठीक है। अपडेट पे जाइए, ओके कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है इजीली।
जो जिस ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए इधर पॉइंट हमें चाहिए था, इसको सेलेक्ट कीजिए, सॉरी सेलेक्ट किया मैंने, इंटर कर दिया। देखिए यहाँ का वैल्यू आ गया 117 और 182। फिर से अगर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ भी सिलेक्ट कीजिए, इंटर कर दीजिए, यहाँ का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऐसे आपको कुछ नहीं करना, आपको पेडेस्टल टॉप का चाहिए तो आप इजीली कुछ नहीं करना, आप इसके टॉप पे जाइए, ये आ गया, और आप इसको सॉरी सेलेक्ट कीजिए अपडेट कमांड पे, और ये हमारा आ गया, सेलेक्ट हो गया, और इंटर कर दीजिए। ये देखिए 115 169, और हमारा यहाँ पे क्या है, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ हमारा, इसलिए चेंज नहीं हुआ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से डेट, और ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, और इंटर कर दीजिए, ये आ गया आपको ईस्टर्न और नॉर्थन पॉइंट। सो ऐसे आप इजीली कोई भी कोऑर्डिनेट आप चाहिए तो आप इसको इजीली ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर वगैरह भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये आपका सारा इसका एम टेस्ट एडिटर खुल गया, आप इसमें साइज का और सब कुछ इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आपको मैं नेक्स्ट पेज में कुछ नया बताऊंगा।